कितना खूबसूरत लग रहा है, देखते हैं कितने बलून यहाँ सर्वाइव करेंगे। आपको लगता है कुछ बलून फूट गए हैं? यहाँ पे मुझे एक ब्लू ब्लू सा कुछ दिख रहा है, शायद यहाँ पर एक बलून फूट गया है। नहीं, वो कुछ और है। दोस्तों आज हमारे पास आएंगे ढेर सारे बलून्स। बलून्स के साथ आपने ढेर सारे खेल भी खेले होंगे। अभी होली थी तो होली पर आपने बलून्स के साथ खेला होगा, एक दूसरे को मारे होंगे। लेकिन आज हम बलून्स के साथ एक अलग ही तरह का खेल खेलने वाले हैं। हमारे पास यहाँ एक वॉशिंग मशीन भी है। हम क्या करेंगे कि हम इन सभी बलून्स को इस वॉशिंग मशीन के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि कितने बलून्स इसके अंदर सर्वाइव करते हैं जबकि वॉशिंग अपनी फुल स्पीड पर चलेगी, यानी मैक्सिमम स्पीड पर चलेगी। तो देखते हैं, एक एक करके इन सारे बलून्स को वॉशिंग मशीन में डालेंगे और देखेंगे कि ये सबसे छोटे साइज का बलून सर्वाइव कर पाएगा या ये जायंट बलून। हमारे पास तरह तरह के साइज के बलून्स हैं, तो देखते हैं कि कौन सा बलून इसमें सर्वाइव कर पाएगा। यश भी मेरे साथ है। यश, आपको क्या लगता है, ये छोटा बलून सर्वाइव करेगा या बड़ा सर्वाइव कर पाएगा या इनमें से कोई भी नहीं बचेगा? छोटा। छोटा सर्वाइव करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि छोटा बलून सर्वाइव कर पाएगा या बड़ा? इसमें से हमने कुछ बलून्स के अंदर थोड़ी सी हवा भी डाली है। देखिए इसमें थोड़ी सी हवा है और कुछ पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा बलून इसमें सर्वाइव कर पाएगा। चलिए डालते हैं कि करके सभी बलून्स को मशीन के अंदर। तो मशीन को करते हैं ओपन और इसके अंदर डालते हैं बलून्स। सबसे पहले हम ये सबसे बड़ा वाला बलून डालने वाले हैं और उसके बाद ये छोटू और बाकी सारे बलून्स भी अब एक एक करके इसमें डाल देते हैं। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 16 नीचे गिर गया था, इसको दोबारा डाल देता हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो हमने इसके अंदर 26 बलून्स डाल दिए हैं। देखिए मशीन पूरी तरह से फुल हो चुकी है बलून्स से। तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका डोर क्लोज कर देते हैं और मशीन को हम 15 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। इसको हमने 15 मिनट के लिए सेट कर दिया। इसमें ये वॉशिंग भी होगी और स्पिनिंग भी होगी। स्टार्ट कर दिया मशीन और देखते हैं क्या होगा। यश मेरे साथ है। यश, आपको क्या लगता है, क्या ये बलून सर्वाइव कर पाएंगे इसमें? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे बलून सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है इसमें कुछ बलून्स तो शायद बच जाएंगे। मुझे लगता है सबसे छोटे वाला बच जाएगा। हाँ, छोटे के बचने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, है ना? वो उतना फ्लेक्सिबल है, वो उसके अंदर पानी कम है तो वो उतना स्ट्रेच नहीं हो रखा है, शायद वो बच जाए। लेकिन बड़े वाले के बचने के तो कोई चांस नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में तो अभी मशीन पानी ले रही है, वाटर इनपुट हो रहा है इसमें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर वॉशिंग चालू होगी। देखिए यार, साइड से यहां से पानी आएगा तो पहले सर्कल में तो ये पानी के अंदर रोटेट होंगे, वहां इनके बचने के चांसेस हैं। लेकिन जब स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग में तो काफी फास्ट घूमता है, काफी फास्ट रोटेशन होगी, उस वक्त देखते हैं क्या ये बचेंगे या नहीं। तो पहले तो यही देखना होगा कि फर्स्ट राउंड कितने क्लियर कर पाएंगे। आपको लगता है कि ये हमने कितने डाले टोटल? 25, 26 कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो देखते हैं सेकंड राउंड तक कितने पहुंचते हैं। सेकंड राउंड तक पहुंचेंगे आधे आधे, ये मेरी बेट है। तो पानी आने लगा है, देखिए वहां पानी दिख रहा है, वाटर इनपुट चल रहा है अभी मशीन के अंदर। मशीन का यही प्रोसेस है कि पहले उसके अंदर पानी आएगा, फिर वॉशिंग होगी, वॉशिंग साइकिल कंप्लीट होगा, सारा पानी निकल जाएगा और फिर बिना पानी के स्पिनिंग होगी। तो स्पिनिंग में काफ़ी तेज मशीन रोटेट करती है, उस वक्त देखते हैं, क्योंकि जब वॉशिंग साइकिल चलेगी तो स्पिनिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना यश? नहीं। लेकिन जिस वक्त स्पिनिंग होगी, ड्राइंग होगी, उस वक्त मैक्सिमम स्पीड पर मशीन रोटेट करेगी और उस वक्त देखना है कि ये बचेंगे या नहीं। वॉशिंग में तो शायद कुछ बच भी है लेकिन स्पिनिंग के बाद कुछ निकल के आता है नहीं। अगर कोई बलून बच गया तो उसको क्या सरप्राइज, उसको उसके लिए क्या प्राइज है? उसको उसका तो सम्मानित करना पड़ेगा और उसको सम्मानित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यश के सर पे उसको फोड़ेंगे। तो उसको यश के सर पर फोड़ कर सम्मानित किया जाएगा। अभी वाटर इनलेट चल रहा है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, 15 मिनट की साइकिल सेट की है। हम बीच बीच में से थोड़ा सा प्रोसेस कट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यश अभी से? वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो हम बीच में से थोड़ा सा कट कर देंगे। जैसे अभी पानी चल रहा है, पानी इनपुट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, रोटेशन पर लेकर आते हैं।
तो दोस्तों वाटर इनपुट करीब करीब कंप्लीट हो गया है, अब शायद इसकी रोटेशन चालू होने वाली है। तो किसी वक्त देखिए रोटेशन चालू हो सकती है किसी भी वक्त, वाटर इनपुट बंद हो गया है, अब पानी नहीं आया और ये रोटेशन चालू हो गई है। देखते हैं यहाँ कितने बलून सरवाइव करते हैं। यश देखो बेटे कितने अच्छे लग रहे हैं बलून, उसको उतते हुए कलरफुल कितना खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं कितने बलून यहाँ सरवाइव करेंगे। आपको लगता है कुछ बलून फूट गए हैं? यहाँ पे मुझे एक ब्लू ब्लू सा कुछ दिख रहा है, शायद यहाँ पर एक बलून फूट गया है। नहीं वो कुछ और है, वो कुछ और है। गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक भी बलून नहीं बचने वाला है, और ये क्या यहाँ पे तो स्पिनिंग साइकिल भी रुक गई है, और मुझे नहीं लगता है कुछ भी होने वाला है। ना मुझे कुछ लग रहा है कि एक बलून शायद फूट गया, एक और फूट गया है, एक ऑरेंज बलून का मुझे कुछ पार्ट दिख रहा है। बड़ा वाला ब्लू क्या जिंदा है, मुझे दिख रहा है बड़ा। देखो वहां पर कुछ ऑरेंज दिख रहा था मुझे, यहाँ पर गायब हो गया, और यहाँ पर एक ब्लू भी दिख रहा था जो कि अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। ये छोटू वाला तो बहुत ज्यादा ही उछल रहा है, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या चलता है। अभी मुझे कोई बलून फूटा हुआ तो नहीं दिख रहा है, जो दिखा था वो गायब हो गया है, नीचे चला गया शायद ड्रम में। और बड़ा वाला बलून अभी है या गया, मुझे नजर नहीं आ रहा है बड़ा वाला। शायद बचा हुआ है। नहीं है वो, नीचे पड़ा हुआ है वो। कहाँ है बड़ा बलून? थोड़ी देर पहले था, फट गया। बड़ा बलून फट चुका। देखिए ये एक ब्लू बलून का ये पीस आ गया, ये ब्लू बलून फट गया, वो नीचे चला गया। तो ब्लू वाले बलून को आपने देखा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये फट के पड़ा हुआ है इधर। और कोई बलून अभी फूटा या नहीं, शायद कोई फूट गया हो लेकिन वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं वैसे यश ये कूदते हुए बलून इस तरह। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी मशीन उतनी फास्ट नहीं मूव कर रही है क्योंकि अभी वॉशिंग प्रोसेस में है। कुछ तो ऊपर जंप कर रहे हैं, देखिए बलून कैसे जंप कर रहे हैं, कलरफुल काफी अच्छा लग रहा है। छोटे बलून शायद देर तक बच जाएं, लेकिन बड़े बलून जो सबसे बड़ा था वो तो फूट चुका है ना। हाँ, वो तो कब का फूट गया। और छोटे वाले अभी भी शायद कुछ बचे हुए हैं। वो सबसे छोटा वाला आपको नजर आ रहा है क्या कहीं? सबसे छोटा वाला बलून दिखा आपको? दिख रहा है वो अभी है। तो दोस्तों छोटा वाला तो अभी शायद सरवाइव कर रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन यश कह रहा है कि है। एक ऑरेंज वाला छोटू भी है वो रहा। वो छोटू हमने इतना छोटू डाला था क्या, या वो छोटू हो गया है? हो गया है शायद। देखिए रंग बिरंगे बलून बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखो छोटा वाला कहाँ गया, ये छोटू, ये ऑरेंज इतना छोटू सा होके साइड में पड़ा हुआ है, इसका सारा पानी निकल गया है, लीक हो गया ये। इसे तो, कर दिया। तो इसको भी हम आउट ही मानेंगे गेम से, क्योंकि ये फूटा तो नहीं लेकिन शायद लीक हो गया, पंक्चर हो गया। और बलून्स तो अब काफी कम लग रहे हैं ना, देखो अब उतने ज्यादा ही लग रहे हैं। काफी बलून फूट गए हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, बाहर नहीं आया उनके पीसेस, लेकिन फूट कर कम तो हो गए। हमने 26 बलून डाले थे, अब मुझे लगता है कि ये 10-12 ही बचे हैं। छोटू वाला भी बचा हुआ है, देखिए ये साइड में है रेड कलर का छोटू। हमने मशीन को 15 मिनट के लिए सेट किया था, 15 मिनट में से 5 मिनट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 5 नहीं अभी 4 मिनट खत्म हुए हैं, 11 मिनट अभी बचे हुए हैं। तो 4 मिनट तो ये बलून सरवाइव कर गए हैं, क्योंकि अभी स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं थी। और वॉशिंग 5 मिनट पूरे हो गए, और वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब स्पिनिंग प्रोसेस चालू होगा। अभी तक दोस्तों जो स्पिनिंग चल रही थी वो पानी के साथ थी, मशीन के अंदर पानी भी था क्योंकि वॉशिंग प्रोसेस चल रहा था। अब ड्राइंग प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर मशीन में कोई पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो बलून्स के सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, क्योंकि ड्रम और बलून के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा और वो फूट जाएगा। तो देखते हैं यश आपको क्या लगता है कितने बलून बचेंगे? जीरो। जीरो बचेंगे, चलिए देखते हैं। तो मशीन के थोड़ा और पास चलते हैं ताकि हम और क्लियरली देख सकें। अभी स्पिनिंग प्रोसेस चालू होने ही वाला है, 9 मिनट की साइकिल बची है अभी भी। ये वाला तो बच ही जाएगा ना, ये ऑरेंज वाला, लेकिन वो हार चुका है। ये तो वैसे रेस से आउट है लेकिन शायद बच जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। बचा है थोड़ा, थोड़ा सा पानी है। तो इसको हम अगर ये बच गया तो इसको हम क्या बने, विनर मान लेंगे? हाँ। ये विनर होगा, हारा हुआ विनर। इसको सम्मानित भी नहीं किया, इसको सम्मानित करने के लिए इसमें है ही नहीं कुछ। तो ये दोस्तों स्पिनिंग प्रोसेस चालू हो गया है, देखिए अब यहाँ कितने सारे बलून फटने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, और यहाँ पे बहुत सारे बलून हैं, और मेरे को तो काफी कम हो गए हैं, काफी कम हो गए हैं बलून। तो मुझे पिंकी दिख रहा है, मुझे लग रहा है ब्लू बलून। तो देखिए
कितने कम बचे हैं, सिर्फ दो बलून दिख रहे हैं मुझे ब्लू कलर में, जबकि हमने काफी सारे ब्लू डाले थे, रेड भी काफी थे, सबसे ज्यादा पिंक, एक और फट गया शायद, काफी जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बलून फटे हुए पड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पिंक दिख रहा है, एक ब्लू तो पहले से है, और ये वाला ऑरेंज जो कि रेस से बाहर है, ये साइड में पड़ा हुआ है, इसको तो खतरा ही नहीं है ऑरेंज वाले को कोई। बलून्स फटने की आवाजें आ रही हैं, काफी बलून्स फट रहे हैं, अब मशीन ने स्पीड पकड़ ली है, देखते हैं क्या बचेगा। अब ये अपनी स्पीड पर आने वाली है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी बलून्स के फटने की आवाजें शायद हमें सुनाई ना दे, लेकिन बलून्स चले जाएंगे, है ना, और जब मशीन रुकेगी तो हम देखेंगे कितने बलून बचेंगे। आपको क्या लगता है यश, क्या एक भी बच पाएगा? नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर एक भी बलून बचेगा तो उसे सम्मानित तो हम करेंगे यश के सर पे फोड़कर। ये ऑरेंज वाला तो बच ही जाएगा ना। हाँ, ये जो पड़ा हुआ है नीचे वो चीटर है, वो चीटिंग कर रहा है, ये तो बच गया है, इसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है साइड में पड़े होके। हाँ। लेकिन ये देखो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये ड्रम के नीचे जा रहा है, लगता है हमारी मशीन खराब है। मशीन भी खराब हो सकती है दोस्तों इसमें देखिए, और अगर मशीन खराब हो गई तो हम दोनों की शामत आने वाली है। मशीन में अजीब अजीब से आवाजें आनी शुरू हुई हैं, लगता है मशीन का काम तो हो गया। मशीन का काम हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो, वैसे तो हम इस तरह की वीडियोस बनाते नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है और आप लाइक करेंगे तो हम ऐसे वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। लाइक हाँ। अब तक हमने इस तरह की ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं है, ये हमारी इस तरह की पहली कोशिश है। हम व्लॉग्स बनाते हैं, फैमिली व्लॉग्स, अगर आप व्लॉग्स देखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। बहुत ही अच्छे तो नहीं, एक कोशिश करते हैं अपनी फैमिली लाइफ को दिखाने की, जो कि जिसमें ज़्यादातर यश होता है, यश की मम्मी होती है, मैं होता हूँ, मौली भी होती है। काफी कलरफुल लग रहा है ना। रियल में तो काफी अच्छा लग रहा है, कैमरे में शायद उतना अच्छा कलर्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन रियल में बहुत ही कलरफुल लग रहा है ये। और ये जो बलून्स हमारे ड्रम के नीचे जा रहे हैं ना फूटने के बाद, ये मशीन को पक्का खराब करेंगे। देखो ये जो दो बलून जा रहे हैं, ये नीचे से हमारी मशीन जाम हो जाएगी और हमें मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, और फिर आपकी मम्मी आपकी पिटाई करेगी। तो स्पिनिंग चालू हो गई है, स्पीड बढ़ने वाली है। और धीरे धीरे मशीन की स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम स्पीड की जाएगी 1200 आरपीएम तक। देखिए यहाँ पर लिखा है 1200 आरपीएम, तो इतनी स्पीड तक जाएगी 1200 आरपीएम पे। कितने बलून सरवाइव करेंगे वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। 1200 आरपीएम का मतलब है कि एक सेकंड में ये, सॉरी एक मिनट में 1200 राउंड्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 1200 राउंड लेगी। काफी अच्छी स्पीड है। मशीन से थोड़ा सा दूर हटके बैठ जाए, कहीं मशीन टूट के हमारे ऊपर आ जाए। अच्छा। अरे मशीन अपनी फुल स्पीड में आ गई है। अभी लग रहा है आपको कि इसमें कोई बलून है? हाँ। कुछ लग तो रहा है ना, कुछ कलरफुल सा। हाँ। ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कुछ बलून तो इसमें शायद अभी है। तो मशीन अपनी फुल स्पीड पर है और इसने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली है। देखिए मुझे लगता है कि कुछ बलून तो है, ऐसा साइड में मुझे लग रहा है कि कुछ बलून तो बच गए हैं, कुछ कलरफुल लग रहा है। देखिए यहाँ साइड में ऐसा लग रहा है कि कुछ कलर है ना, तो कुछ बलून शायद बच गए हैं। देखे कितने होंगे, कितने होंगे? अरे अरे वाह, काफी सारे बलून बच गए। इतने सारे बलून को सम्मानित करने के लिए तो हमें यशवर्धन के जैसे काफी सारे बच्चे चाहिए। देखते हैं मशीन को ओपन करते हैं, कितने बलून्स बचे हैं। हमने कितने डाले थे, 26। अभी नहीं खुलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और काफी सारे बलून्स बच गए, वेरी गुड। अब तो पापा गए, ये नहीं यश जाएगा। नहीं पापा, वो भी इतने सारे बलून्स के सर पे कितना मजा आएगा। हाँ आ गई आवाज, देखिए डोर ओपन हो गया है और काउंट करते हैं कितने हैं। पहले ये फटे हुए निकालो, फटे हुए निकालो। ये ब्लू जो फट गया था और ये
ऑरेंज इस बच छोटू को तो पिचकू, मैं बताऊंगा। और ये अरे ऑरेंज रुक तुम मर गया। ये, और इसके सिवा ये हमने 3 निकाल दिए ना, हमने टोटल कितने 26 डाले थे, थ्री निकल गए। 4 5, ओ छोटू छोटू ये छोटा वाला बच गया, देखो छोटा वाला बच गया, कितने हुए? सिक्स नहीं, ये 4 5 6, सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सारे बची गए क्या? फिफ्टीन मोटू तो मर गया। सिक्सटीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवेंटीन एटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थ्री ट्वेंटी फोर तो 2 बलून्स के पीसेस और होंगे इसके बस अंदर। दो ही फटे हैं। 2 बलून्स ही फटे हैं, सिर्फ 2 ही बलून्स गए हैं। तुमने कहाँ है तीन उनके कैसे पीसेस? निकाल लिए? एक ये देखिए, एक ये रहा, यहाँ पर एक बलून दिख रहा है, छी छी कितना गंदा गंदा था। 25 हुए ना, 26 ये रहा, एक ये रहा, देखो एक एक ये रहा 26 का, ये थोड़ा सा फटा है, और थोड़ा देखो वो अंदर दिख रहा है, वो ब्लू वो ऑरेंज दिख रहा है वहां पे बेटे, वो फंसा हुआ है ऑरेंज है ना, वहां पर ये देखो कैमरे में, देखो कैमरे में देखो, हाँ तो ये 26वां यहाँ फंसा हुआ है, बाकी सब साफ सुथरा निकल गया। बलून क्यों नहीं फूटे? हाँ ये काफी बच्चा। अच्छी, काफी अच्छी क्वालिटी के बलून है क्या ये? हाँ, तो ये बलून जब यश को पड़ेंगे तो क्या फूटेंगे? चलो चलो चलो, एक तो बनता है, एक तो बनता है। तो यश, अब ये बलून आपको पड़ने वाले हैं बेटे, आप आपके पनिशमेंट है, अब इनको सम्मानित किया जाएगा। क्यों? मेरा क्या होगा? आपका होगा, मेरा क्या होगा? नहीं, आपने कहा था सम्मानित आप पर किया जाएगा। ना 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 ना, ये आपको पढ़ने वाले, आपको पनिशमेंट मिलेगी और इन्हें सम्मान मिलेगा। दोस्तों अब मैं इसको सम्मान देने के लिए जा रहा हूँ, देखो अब इसकी बारी है। नहीं नहीं नहीं, आपको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सुन, रुक एक मिनट, मेरे ऊपर पड़ेंगे ना, हाँ। मैं काम करता हूँ, रुक। तो गाइस पता नहीं ये पापा क्या ही चाह रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाने जा रहे हैं हमें। चलो वेट करते हैं। अरे मैं ये पहन के कराऊंगा, ले मार अरे ले मार ले मार ले मार ले, अरे क्या ये क्या पहन लिया? अपना पहन लेते, मम्मी का क्यों पहन लिया? ना मैं तो यही पहनूंगा, आजा मार ले, ठीक है। आजा तो गाइस अब पापा का मारते हैं बलून। ये कौन सा वाला? ये वाला मारते हैं, मोटू वाला। बस चल, एक 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 क्यों, एक एक क्यों, ना 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 ना, बच गए बच गए। एक और एक और मारूंगा, बच गया। बहुत मजबूत है ये तो, ये फट ही नहीं रहे। काफी मजबूत है ना, और क्या, ये में बच गए तो यहाँ क्या है इनके ये वाले बच्चे। अब ये हटाओ ना। ना 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 ना, अभी बताता हूँ मैं। अरे फटी नहीं इतने रहा है मजबूत है ये। गाइस एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ। अरे हट तो जा, फोड़ने तो चीटिंग क्यों कर रहे हो? ये एक और, एक और, ना ना ना, और नहीं और नहीं, लास्ट, और नहीं फोड़ूंगा। अब आपका क्या होगा? और नहीं और नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा वाला। अब आपका क्या होगा? बस 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 बस। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय। अरे अरे अरे, फट क्यों नहीं रहा है? अभी भी नहीं फूटा, अभी भी नहीं फूटा, इतना मजबूत है। और वो बलून्स देख, 2 अभी भी बचे हुए हैं उधर, वो अभी फूटे ही बताता नहीं। हूँ मैंने, बच रहे हैं ये।